ब्रिटिश पार्लियामेंट दे विच स्कॉटिश एमपी वालों जलियांवाला बाग कतलेआम दा मुद्दा चुकिया गया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट दे विच कॉमनवेल्थ दे नाल जुड़े मुद्दे की बहस मौके स्कॉटिश पार्लियामेंट मैंबर स्टीवन बोनर ने कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य वेले बस्तीवाद के परदे पिछे गैर ब्रिटिश लोगों नाल जिथे दुरव्यवहार किया जाता रहा है उते हर तरह के जुल्म दीआं हद्दां पार हुंदीआं रहीआं ने। उन्हां विशेष तौर उत्ते अमृतसर विखे साल 1919 दे विच होए जलियांवाला बाग दे समूहिक कतलेआम दौरान निहत्ते लोगों नूं मारे जाण बारे ब्रिटिश पार्लियामेंट वल्लों रस्मी माफ़ी मंगे जाण दी अपील कीती है। पार्लियामेंट मैंबर स्टीवन बोनर ने कहा कि शांतमई रोस प्रदर्शन करते निहत्थे मर्दा औरतों के बच्चों गोलियां ना भुन देना बेहद जालिम कार्रवाई सी। एक सदी तो वध समा बीतन के बावजूद ब्रिटिश सरकार तो इस अणमनुखी रवैये के खिलाफ हमदर्दी के बोल नहीं बोले गए। उन्हें ब्रिटिश सरकार को अपील की कि साम्राज्य दौरान बेकसूर लोगों उत्ते किए जुल्मों के पछतावे वजों रस्मी माफ़ी मांग के संसार भर के लोगों अपनी जिम्मेवारी का सबूत दिता जाए। इस मुद्दे नूं एमपी स्टीवन बोनर वल्लों उभारिया जाना ब्रिटेन दे विच पंजाबियों लई बहुत महत्वपूर्ण है। दस दिए कि ब्रिटिश राज वेले पंजाबी बोलते लोगों उत्ते किए जुल्मों की माफ़ी मंगण लई वख-वख तरह ने मुहिम चला रखिया ने। इसे बारे पंजाबी भाषा चेतना बोर्ड यूके वल्लों मुहिम विढ़ी गई है जिस राही अपने इलाके के मैंबर पार्लियामेंट नूं ईमेल करन दी अपील की गई है। ईमेल दे विच मैंबर पार्लियामेंट नूं बेनती की गई है कि पार्लियामेंट दे विच माफ़ी की मंग नूं लोगों की आवाज़ बन के चुके। पंजाबी भाषा चेतना बोर्ड के डायरैक्टर ने कहा कि स्कॉटलैंड तो एमपी स्टीवन बोनर वल्लों चुकी आवाज़ पंजाबियों की ही आवाज़ है।